लाहौर पुलिस को कराची के निजी मीडिया हाउस के दफ्तर पर छापा मारना महंगा पड़ गया। दफ्तर में मौजूद अमले ने लाहौर पुलिस के अफसरान को तशद्दुद का निशाना बनाया। अहलकारों का कहना है कि दफ्तर में मौजूद अमला इन्हें रस्सियों से बांधकर तशद्दुद करता रहा। कराची पुलिस के मुताबिक लाहौर से पुलिस पार्टी करोड़ों रुपए के फ्रॉड के केस में मुलजिमान को गिरफ्तार करने कराची पहुंची थी। पहला छापा उन्होंने मुकामी पुलिस के हमरा मारा, लेकिन दूसरे छापे में वो उन्होंने खुद ही रेड कर दिया, जिसके बाद दफ्तर में मौजूद अमले ने लाहौर पुलिस के अहलकारों को रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ज़राए के मुताबिक निजी टीवी चैनल के मालकान पर करोड़ों रुपए फ्रॉड का केस दर्ज है और उसी केस में लाहौर से टीम उन्हें गिरफ्तार करने कराची पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक मजीद आदम नामी मुलजिम इस केस में इश्तिहारी करार दिया गया है, जिसने 2 करोड़ रुपए का घपला किया। लाहौर में इस मुलजिम के खिलाफ 420 समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस हुकाम का कहना है कि कराची में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद के वाकये के बाद अब एक और नया मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जिन अफराद ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया, उन्हें भी बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करके केस को आगे बढ़ाया जाएगा।